हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अम्बाला कैंट विधानसभा में जीत के लिए सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस दौरान अनिल विज का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान अनिल विज व विज समर्थक जमकर थिरके। अनिल विज ने जहां कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, वहीं चुनाव में मेहनत करने वालों को सम्मान भी दिया। अपनी बेबाक वाड़ी के लिए जाने जाने वाले अनिल विज भी मंच से अपने संबोधन में बेबाक दिखाई दिए। अनिल विज ने मंच से जहाँ कार्यकर्ताओं का जीत में सहयोग पर धन्यवाद दिया और उन्हें खरा सोना बताया, तो वही चुनाव में सहयोग न करने वालों को विज ने गद्दार बताया। अनिल विज ने कहा कि ऐसे लोग ने मुख्यमंत्री की फोटो अपने सोशल मीडिया पर लगा रखी है, ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है मुख्यमंत्री के साथ फोटो लगाने का। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यही नहीं रुके, मंच से अपने संबोधन में अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव में मुझे हरवाने, चुनाव में खून खराबे की व मेरी हत्या करवाने की साजिश रची गई थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने संबोधन में अफसरशाही को भी जमकर लपेटा और कहा कि कुछ गद्दारों के साथ मिलकर अधिकारियों ने मुझे हरवाने की भरसक कोशिश की, मेरे कार्यक्रमों में खून खराबा करवाने की कोशिश की, मेरी हत्या तक की साजिश हुई, किसान यूनियन का झंडा व डंडे लिए लोग मेरी जनसभा में घुस गए। विज ने कहा कि इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दो झंडे दिए गए थे, एक कांग्रेस का तो दूसरा किसान यूनियन का। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सीएम की कुर्सी नहीं मिलने से अनिल विज आहत हैं और ऐसे सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, या तो एक बड़ा प्रश्न बनकर उभर रहा है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या सीएम की कुर्सी नहीं मिलने से अनिल विज आहत है और ऐसे सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं, यह तो एक बड़ा प्रश्न बनकर उभर रहा है। वहीं मंत्री अनिल विज ने भाजपा जिला कोसा अध्यक्ष आशीष तायल पर भी गद्दारी का आरोप लगाया, साथ ही अनिल विज ने उनके खिलाफ सभी सबूत होने का भी दावा किया है। तीसरा प्रशासन ने पूरी कोशिश करी अनिल विज को हराया जाए, पूरी कोशिश करी। किसके कहने से करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनाने से रोक दी, मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी जो अब शुरू हो गई, भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई, और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाई जा सकती थी, कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट इसको मना नहीं करता, लेकिन रोकी, सारे काम रोके गए। और यहां तक की बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके, देना था ताकि आपके मन में कोई संशय न रह जाए। गांव शाहपुर की धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम था, मैंने चुनाव आयोग से बकायदा इजाजत ले रखी थी और मैंने सारे कार्यक्रम इजाजत लेके दी, और चुनाव आयोग जब इजाजत देता है तो वो पुलिस से भी एनओसी लेता है, मैं उस कार्यक्रम में चला गया, गांव के काफी लोग, वो बड़ा हाल है, हाल के अंदर उपस्थित थे। मैं जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े डंडे लेकर, किसान यूनियन के झंडे लगाकर उस हाल के अंदर घुस गए। वहां पर जो गांव के लोग थे वो उनसे भिड़ गए और उठाव खाकर उनको मार फेंका। अगर इस झड़प में कुछ हो जाता तो मेरे चुनाव का तो बट्टा बैठ गया था। एनवर लाइव की खास खबर।